अब हो रही है शो? हो रही है इशू स्क्रीन। हाँ बिल्कुल। हाफ कौन सी हो रही है? शेयर तो मैंने फुली की हुई है। आगे मैम आप। चलें। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सबसे पहले ढेर सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर की कलेक्शन है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है लेकिन ढेर सारे सॉफ्टवेयर से मिलके बना हुआ है, ठीक है? ये क्या करता है? ये यूजर और जो हमारा हार्डवेयर है, जो हमारा सिस्टम है, उसके दरमियान इंटरेक्शन करवाता है, एज अ इंटरमीडियरी दरमियान में काम करता है, ठीक है? अब मैं अपना लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो मैं ऐसे इस लैपटॉप को, हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकती। इसको मैं ऑन करूंगी, कुछ भी नहीं आएगा अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो। अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स विंडोज नहीं होंगी तो। अब मैंने विंडोज इंस्टॉल किया है, विंडोज क्या कर रही है? मुझे एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है, वो स्क्रीन मेरे सामने नजर आ रही है जिसके थ्रू मैं अपने हार्डवेयर के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है? कोई फाइल ओपन कर रही हूँ, कोई क्लोज कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरा जो इंटरेक्शन इसके साथ पॉसिबल हो रहा है वो सिर्फ इस विंडोज की वजह से हो रहा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक इंटरमीडिएट मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है, हार्डवेयर और यूजर के दरमियान इंटरेक्शन के लिए। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी तक के लिए ये समझ आ गई है कि ये दोनों के दरमियान जो है इंटरेक्शन करवा रहा है, ठीक है? यस मैम। एग्जीक्यूट, और इसके कौन कौन से काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के? एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम, ठीक है? कोई प्रोग्राम दे दी एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो तब भी एग्जीक्यूट होगा जब पहले से वहां पे विंडोज इंस्टॉल होंगी, जब वहां पे मैं उस जगह को एक्सेस कर सकूंगी, ठीक है? तब भी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसकी आउटपुट मुझे शो करवाएगा। उसके अलावा मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वैसे तो काम नहीं करेगा अच्छी तरह से, ठीक है? विंडोज उसके अंदर इंस्टॉल होंगी, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे, तो बड़ा वो कन्वीनियंटली यूज होगा, ठीक है? आसानी से अच्छी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, ठीक है? तो मतलब कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज है, मेमोरी है, स्केड्यूलिंग है, जो भी टास्क है, इन सबको हमने आगे देखना है कि सारे पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज हुई होंगी या कोई और दूसरा सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे, मैक है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ढेर सारे हैं, तो तभी हम एफिशिएंटली कन्वीनियंटली अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, ये वही वाली बातें थोड़ी सी रिपीट हो रही है। ये डिपेंड करता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो है वो चलिए इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है? कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कि अगर एक यूजर है वो कहता है कि मुझे सिस्टम जो है कन्वीनियंट चाहिए, ईज ऑफ यूज चाहिए, आसानी से मेरा सिस्टम यूज हो जाए और अच्छी परफॉर्मेंस मुझे चाहिए, ठीक है? कि क्विक रिस्पॉन्स हो, वो इस चीज की तरफ फोकस करता है, लेकिन उसको इस चीज की केयर नहीं, इस चीज की परवाह नहीं है कि उसके कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो है वो किस तरह से यूज हो रहे हैं, ठीक है? कोई दूसरा यूजर है वो कहता है कि मेरे सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं वो बड़ी अच्छी तरह से यूज हो जाए, जबकि बेशक रिस्पॉन्स मुझे लेट मिल जाए, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि यूजर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिस्टम को देख रहा है, ठीक है? हर एक के लिए अपना अपने, आप कहते हैं हमें क्विक रिस्पॉन्स हो, वेट ना करना पड़े, रिसोर्सेज चाहे सारे यूज हो या ना हो, ठीक है? रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज है आपके कंप्यूटर की मेमोरी, आपके कंप्यूटर अगर कोई प्रिंटर लगाया है उसको ढेर सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं वो हो गया, या फिर आप उसके अलावा और डिफरेंट इसके अंदर हैं रिसोर्सेज, उनको हम बाद में देखते हैं, ठीक है? तो मतलब ये है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उससे क्या चाहते हैं, ठीक है? कुछ लोग जो हैं, अच्छा, अब जैसे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर है, ये क्या है? ये ऐसे हैं जिसके साथ एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर जो है इंटरेक्ट होते हैं, मल्टीपल यूजर इनको एक्सेस कर रहे हो एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो यूजर का पर्पस होगा वो ये होगा कि जितने भी यूजर इंटरेक्ट हो रहे हैं, जितने भी यूजर जो है इस टाइम पे आपके साथ एक्सेस कर रहे हैं,
उन सबको हैप्पी रखा जाए, उन सबको खुश रखा जाए, उन सबकी बारी आ रही है, ठीक है, उन सबको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो वहां पे क्या, वो क्विक रिस्पॉन्स को प्रियोरिटी दे रहे हैं, रिसोर्सेज को नहीं दे रहे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मेमोरी जो है वो कम से कम यूज हो, बेशक थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग दे, तो वहां पे उनकी प्रियोरिटी क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे हैं, ये किस लिहाज से उसको यूज करना चाह रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या, यूजर ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम, जैसे कि वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन के अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ एक ही यूजर यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड होता है, उसको शेयर नहीं किए जा सकते दूसरों के साथ। तो वहां पे उस वो किस चीज की परवाह कर रहा है, वहां पे उसको फिक्र है कि जो रिसोर्सेज है सर्वर से उसे मेरे हैं, वो सारे के सारे एक को ही डेडिकेट हो, वो दूसरे को शेयर ना हो, ठीक है, वो परफॉर्मेंस की तरफ इतना फोकस नहीं दे रहा। तो मीन्स यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन करवा रहा है, फिर हम ये बात कर रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे हैं। आप उसको इजी टू यूज देख रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि आपके रिसोर्सेज किस तरह से यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड कर रहे हैं आप पे, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई है क्लास? यस मैम। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्लिक्ट कर रहा होगा, अभी आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन ये आगे थोड़ी सी और स्लाइड हम लोग चलते हैं, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम न्यू पढ़ रहे हैं इस वजह से, ठीक है, चलिए इसको आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेटर है। रिसोर्स एलोकेटर के अंदर क्या है कि आपके सिस्टम के साथ इस टाइम के कितने रिसोर्सेज अटैच हैं, आपके सिस्टम के कितने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी है, वो कितने यूजर्स को दे दी गई है, उनमें से कितनी फ्री मेमोरी रह गई है, कितने आपके मतलब पूरे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उसके अंदर कितने प्रिंटर जो है अटैच है, कितने इस टाइम कौन सा यूजर एक्सेस कर रहा है, कौन सा अभी खाली है, ठीक है, वो किसको एक्सेस करना है, और उसके अलावा जो किस प्रोसेस को पहले बारी देनी है, किसको बाद में देनी है, ये वाला सारा काम जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, कि रिसोर्सेज किसको, कौन सा रिसोर्स किस टाइम पे एलोकेट करना है, जब वो रिसोर्स फ्री हो गया तो उसको जो है अब एम्प्टी के अंदर रखना है और फिर किसी और को एक्सेस दे देनी है, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर, मैनेज ऑल रिसोर्सेज, डिसाइड बिटवीन कंफ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज, ठीक है, कि अगर एट द सेम टाइम एक प्रिंटर एक रिसोर्स के लिए मल्टीपल यूजर ने एक्सेस दे दी है, मल्टीपल यूजर ने रिक्वेस्ट कर दी है, तो उसमें इस कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करना कि पहले किसको देना है, फिर किसको देना है, और कितने कितने टाइम के लिए देना है, ठीक है, ये रिसोर्स एलोकेटर हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, आपके प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कि आप जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसके अंदर कोई एरर ना आए, कोई बग ना आए, अगर कोई एरर वगैरह आ गया तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल सही तरह से एग्जीक्यूशन अपनी जो है वो जारी रखे और किसी तरह से जो है मिस यूज ना हो, ठीक है। आइए समझ क्लास। जी मैम। अच्छा ठीक है, तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ओवरऑल हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, हमारे सिस्टम के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, हमारी और हार्डवेयर के दरमियान जो है इंटरेक्शन करवा रहा है, ठीक है जी मैम। अब हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस किस तरह के हो सकते हैं। दो यहाँ पे बताए हुए हैं, एक मल्टी प्रोग्रामिंग बताया हुआ है और एक मल्टी टास्किंग बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप बड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। सबसे पहले नीडेड फॉर एफिशिएंसी, सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस बिजी एट ऑल टाइम। अगर आपके सिस्टम के साथ एक ही यूजर सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, बड़े बड़े सिस्टम, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात हो रही है, बड़े सिस्टम बड़े नेटवर्क्स की बात हो रही है, तो वहां पे सिर्फ एक यूजर अगर होगा तो वो किसी एक सीपीयू को यूज कर रहा होगा या कुछ आईओ डिवाइसेस उनको यूज कर रहा होगा, बाकी सारे आइडल पड़े होंगे, खाली पड़े होंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करना है,
Multi-programming organized jobs, so CPU always has one to execute. अच्छा इसके अंदर अब ये है कि हम कहते हैं कि एक यूजर जो है वो सारे रिसोर्सेस को यूज नहीं कर सकता, तो मल्टीपल यूजर मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेमोरी के अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ला के रख लेता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेमोरी के अंदर ला के रख लेता है और उनमें से एक को एग्जीक्यूशन दे देता है, एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, एक प्रोग्राम को सीपीयू की टेस्ट दे देता है। जब वो वाला जो है फ्री हो जाता है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके, फिर नेक्स्ट वाले की बारी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से वेस्ट नहीं होता कि जब पहले वाला फ्री हो गया तो उसका यह मतलब नहीं है कि अब रिसोर्सेज खाली पड़े हैं, वो नेक्स्ट वाले को फौरन से जो है वो टर्न दे देगा और वो वाला जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये देखिए अब वो कह रहे हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज जॉब, सो सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टी ज्यादा प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट। सीपीयू उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करेगा एट द वन टाइम और फिर क्या करेगा, वन जॉब सिलेक्टेड एंड रन वाया जॉब स्केड्यूलिंग। अब वो ढेर सारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, उसमें से किसको उठा के टर्न देनी है सीपीयू की, किसको सीपीयू की एक्सेस देनी है ताकि वो एग्जीक्यूट हो, वो काम कौन कर रहा है, जॉब स्केड्यूलिंग कर रहा है, ठीक है। जॉब हम अपने प्रोग्राम्स को भी कहते हैं, प्रोसेस को भी कहते हैं, ये टर्म अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे स्केड्यूलिंग की बात हो रही है कि जहाँ पे ढेर सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स पड़े हैं मेमोरी के अंदर, वहां से स्केड्यूलिंग स्केड्यूलर क्या करता है, उनकी स्केड्यूलिंग करता है कि सबसे पहले किसको बारी देनी है, उसके बाद सेकेंड बारी किसकी है, थर्ड बारी किसकी है, ठीक है। और अब ये स्केड्यूलिंग किस तरह से होती है, किस बेस पे होती है, ये भी आपने आगे पढ़ना है। यहाँ पे जस्ट इंट्रो है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मल्टीपल प्रोग्राम्स पड़े हैं वहां पे। मैम ये जॉब्स, जॉब का मैं आपको बताती हूँ, जॉब को आप प्रोग्राम ही कहें, ठीक है, अभी इसको जॉब को आप प्रोग्राम ही कहें, ठीक है। प्रोग्राम स्केड्यूलिंग, जी मैं कहना चाह रहा था कि ये जॉब स्केड्यूलिंग ऐसी होगी ना कि जैसे अगर बंदा कहता है कि तीन कॉपियां मैंने निकालनी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो एट अ टाइम तीन नहीं निकलती, पहले एक निकलती है फिर दूसरी फिर तीसरी, यही होगी ना जॉब स्केड्यूलिंग। हाँ, और अब उनमें से अगर डिफरेंट फाइल, अगर डिफरेंट फाइल है तो उसमें से पहले किस फाइल को कॉपी करना है, सेकंड किसको करना है, थर्ड किसको करना है, ये जो प्रायोरिटी देनी है ये स्केड्यूलिंग का काम है और ये इसके एल्गोरिदम्स है, ये आपने आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट रखें कि मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके मेमोरी, मेन मेमोरी रैम में लेके आए हैं और उनमें से किसी एक को एक्सेस दे दिए सीपीयू की, बाकी वेटिंग स्टेट पे है, स्केड्यूलिंग फिर नेक्स्ट वाले को स्केड्यूल करके सीपीयू असाइन कर देगा, ठीक है। व्हेन इट हैज टू वेट फॉर आयो ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच टू अनदर जॉब, मींस एक जो है सीपीयू चल रहा है, ठीक है, इसको बड़े गौर से समझना, ये वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये बाद में थोड़ा तंग करते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम उठाया सीपीयू को दे दिया, सीपीयू उसको रन कर रहा है, अब उस प्रोग्राम को किसी इनपुट आउटपुट आयो की जरूरत पड़ गई, उसने कहा मैंने प्रिंटर यूज करना है, वो प्रिंटर के पास चला गया या प्रिंटर यूज करने लग गया या उसका वेट करने लग गया, तो बाकी जो सीपीयू का टाइम था, प्रोसेसिंग का टाइम था, वो खाली पड़ा है, वो फारिग है, ठीक है। जो प्रोग्राम चाह रहा था वो आयो का वेट करने लग गया, आयो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कहते हैं, ठीक है, थीके? वो लेट्स सपोज प्रिंटर का वेट करने लग गया, लेकिन उतने टाइम में आपका प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर जो है वो खाली पड़ा है, सीपीयू खाली पड़ा है, वहां पे कुछ नहीं है, तो आपकी इसी ये जो स्केड्यूलिंग है वो उतने टाइम के अंदर दूसरे वाले प्रोसेस को तैयार करके स्केड्यूल करके ले आएगी ताकि आपका सीपीयू खाली ना रहे और उसको दे देगी, वो प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। जब वो पहले वाला आयो प्रिंटर का काम खत्म करके आ जाएगा फिर वो उसको टर्न दे देगा, ठीक है। और ये स्केड्यूलिंग का काम है, ये आपको स्केड्यूलिंग बाद में समझ आ जाएगी किस तरह से होती है, ठीक है। मैम न्यू प्रोग्राम लोड कर देगा, हाँ न्यू, जब सीपीयू आपका खाली पड़ा है क्योंकि फर्स्ट वाला आयो का वेट कर रहा है, तो सीपीयू उतने टाइम में खाली पड़ा हुआ है, तो उसको खाली नहीं रखना, उसको आइडल नहीं रखना सीपीयू को, सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करनी, उसकी ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए उसको खाली नहीं छोड़ना, वो सेकंड वाले प्रोग्राम को स्केड्यूल करके जो है वो दे देगा ताकि इतने टाइम में वो अपना काम कर, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है व्हेन इट हैज टू वेट, जब पहले वाला जो है वेट कर रहा है फॉर आयो के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच टू अनदर जॉब,
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, किसी दूसरे को स्केड्यूल करके उसके ऊपर स्विच कर देगा सीपीयू को, और वो उसको रन करने लग जाएगा। ठीक है, क्लास समझ आ गई इस बात की? ठीक हो गया मैम। जी 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 आ गई मैम। बाकी लोग भी जरा बता दें, इसकी समझ आई है? जी मैम आ गई। ठीक है ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको बहुत फोकस करके आपने देखना है, ये फिर बाद में थोड़ा तंग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग को हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन इन विच सीपीयू स्विच जॉब्स सो फ्रीक्वेंटली। सीपीयू क्या कर रहा है, बहुत तेजी के साथ जॉब प्रोसेस या फिर प्रोग्राम्स के दरमियान सो फ्रीक्वेंटली बहुत तेजी से स्विच कर रहा है, बहुत तेजी से वो बारी बारी सबको बारी दे रहा है। दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विद ईच जॉब व्हाइल इट इज रनिंग क्रिएटिंग इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग। अच्छा, इसके अंदर अब क्या है, पहले मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग में कहा था कि एक प्रोग्राम को लेके आया, उसको चला रहा है, और जब वो सीपीयू फ्री हुआ तो तब दूसरे को बारी दी है, ऐसे ही था। यहाँ पे क्या है, मल्टीटास्किंग के अंदर मल्टीपल टास्क उसने रखे हुए हैं और वो मल्टीपल टास्क के दरमियान इतनी तेजी से स्विच कर रहा है जॉब्स को, सीपीयू को, उसने टाइम जो दे दिया सब जॉब्स को, सब टास्क को, सब प्रोसेस को टास्क वो टाइम एलोकेट कर दिया है कि 2 सेकंड जो है वो फर्स्ट वाले, 2 सेकंड, 2/3, हर एक प्रोसेस को कुछ कुछ टाइम जो असाइन कर दिया है। तो जल्दी से फर्स्ट वाले टास्क को करेगा, 2 सेकंड उसे कंप्लीट करेगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाले के पास आएगा, 2 सेकंड उसकी प्रोसेसिंग करेगा सीपीयू, नेक्स्ट फिर थर्ड वाले के पास आएगा और 2 सेकंड उसकी प्रोसेसिंग करेगा, जितना भी टाइम आपने दिया है। वैसे ये टाइम जो नैनो सेकंड्स में दिया जाता है, बहुत शॉर्ट टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो वो मतलब उन प्रोसेस के ऊपर जो टाइम दिया हुआ है उनको इतनी क्विकली से उनके दरमियान स्विच करेगा कि जो यूजर है उसको लगेगा नहीं, मेरे सारे प्रोसेस एट द सेम टाइम चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एट द सेम टाइम सारे नहीं चल रहे होते। सीपीयू उनके दरमियान बड़े शॉर्ट टाइम क्वांटम के लिए जल्दी जल्दी से स्विच करता रहता है। ठीक है, उससे हमें क्या लग रहा होता है कि हम इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर है, कि हम जो फुल टाइम कंप्यूटर हमें ही रिसोर्स सारे दे रहा है, हम जो है इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो सारे चल तो रहे होते हैं लेकिन उनके दरमियान में जितना जितना टाइम है वो चल रहा होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट वाले की बारी होती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो लेस देन 1 सेकंड, मैंने कहा आपको कि बहुत शॉर्ट टाइम होता है, मैं 2 सेकंड कह रही हूँ लेकिन एक्चुअल में ये 1 सेकंड से भी कम का टाइम होता है, कुछ नैनो सेकंड होते हैं जो कि दिए जाते हैं और विद इन अ नैनो सेकंड वो रिस्पॉन्स देता है, इतना क्विक रिस्पॉन्स देता है कि हमें लग रहा होता है कि नहीं ये हमारे साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस मैंने बताया, आइए समझ इन दोनों की। यस मैम। ठीक है, अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग बैच क्या था, बैच हमारे इंटरेक्टिव सिस्टम नहीं होते। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एक को सीपीयू असाइन कर दिया, वो प्रोसेसिंग खत्म करेगा जब उसका काम खत्म हो गया या उसकी उसको जरूरत हुई किसी आयो के लिए, तब वो जाएगा और तब दूसरा इंटरेक्ट करेगा। जबकि यहाँ पे इसको मल्टी टास्किंग को टाइम शेयरिंग क्यों कहा गया, कि उस सबको इतने शॉर्ट टाइम के अंदर रिस्पॉन्स दे रहा है कि हमें लग रहा है कि वो इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, कि वो टाइम को एक्चुअल में शेयर कर रहा है। ठीक है जी मैम, ये दोनों क्लियर है पॉइंट, कब आगे? जी मैम ये समझ आ गई है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस की बात आ रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेशंस जो है उनको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये वही वाली बातें, लेकिन इनको एक दफा देख लेते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंटरप्ट ड्रिवन, इफ देयर इज नो प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, no IO devices to service and no user to warm to respond, an operating system will sit quietly waiting for something to happen. अब वो क्या कह रहा है कि हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंटरप्ट ड्रीवन है, कि इसके अंदर इंटरप्ट इन्होंने रखा हुआ है। इंटरप्ट किस लिहाज से रखा हुआ है, कि अगर प्रोसेस के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, कोई डिवाइस की सर्विस नहीं हो रही, मतलब बिल्कुल आइडल पड़ा हुआ है, कोई यूजर को रिस्पॉन्स नहीं है देने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वेट कर रहा है कि कोई काम आए और मैं उसको करूं। ठीक है, कि अगर कोई भी काम नहीं है तो वो वेट कर रहा है कि उसको कोई टास्क दिया जाए परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है कि अब वो जो टास्क देना है
ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है कि ये वाला टास्क है, ये करना है, वो क्या हम उसको कहते हैं, इंटरप्ट करना। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट करते हैं, हम उसको ट्रैप करते हैं, हम उसको सिग्नल देते हैं, हम उसको बताते हैं कि ये वाला टास्क है जिसको अब करना है। ठीक है, अब ये जो इंटरप्ट देना या ट्रैप करना, ये दो तरह से है, हार्डवेयर का भी है और सॉफ्टवेयर का भी है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे जो इंटरप्ट हो रहा है वो हार्डवेयर की वजह से भी हो रहा है, सॉफ्टवेयर की वजह से भी हो रहा है। अब हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन ऑफ द डिवाइसेस, हार्डवेयर किस तरह से इंटरप्ट करेगा, जब कोई डिवाइस की वजह से इंटरप्ट आएगा, कोई आयो डिवाइस यूज करना है किसी प्रोसेस ने, तो वो इंटरप्ट करेगा, सिग्नल देगा कि मैंने ये वाला डिवाइस यूज करना है। ठीक है, जब वो यूज कर लेगा वो फिर से इंटरप्ट करेगा कि अब मैंने यूज कर लिए, अब दोबारा से मुझे प्रोसेसर की बारी दे दो। ठीक है, तो ये हार्डवेयर की वजह से इंटरप्ट है। जब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात आएगी तो हम कहते हैं ना, हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन मीन्स आप लोगों ने अभी नहीं वो पढ़ा होगा, ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन वाला या ट्रैप वाला, उसके अंदर क्या, सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरप्ट होता है, कोई सिग्नल आता है, आपका एरर आ जाता है या आपको ट्रैप कर जाता है सॉफ्टवेयर। उसके अंदर क्या होता है कि आपने गलती से कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से इंटरप्शन आ गई आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर। आपने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डिवीजन बाय जीरो। मैथ के अंदर क्या होता है कि हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपने बाय मिस्टेकनली जीरो से डिवाइड कर दिया तो वो कहेगा इंटरप्ट आ गया। ठीक है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसी सर्विस के लिए उसने रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, कोई प्रोसेस है, वो कहता है कि मुझे ये इतनी मेमोरी चाहिए, उसने क्या किया, एक ट्रैप दे दी, एक सिग्नल दे दिया। ठीक है, या फिर उसके अलावा, मतलब ये अच्छाई या बुराई नहीं बता रहा, ये सिर्फ ये कह रहा है कि एक सिग्नल प्लेस करना ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी परफॉर्मेंस के लिए, चाहे वो किसी एरर की वजह से आ रहा है, किसी वो आपके किसी रॉन्ग टास्क की वजह से आ रहा है, या आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि जब हार्डवेयर किसी डिवाइस की वजह से इंटरप्शन होगी तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट होगा, जब किसी सॉफ्टवेयर किसी इंस्ट्रक्शन की वजह से होगा तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा। ठीक है, जैसे कोई इनफाइनाइट आप लूप लगा देते हैं, वो क्या है, वो लूप चलती रहती है, तो वो भी क्या है, एट द एंड किसी जगह पे जाके वो ट्रैप कर जाएगी, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ जाएगा, तो वो ये भी क्या है, एक इंटरप्शन की ही एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक परफॉर्मेंस आपको क्या देता है, जब भी कोई टास्क परफॉर्म करना है या फिर प्रोसेसर ने कोई काम करना है या खत्म करना है, उसके लिए कोई सिग्नल वो प्लेस करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस देता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। ये आ गई इस बात की समझ? जी मैम, पक्की बात है? जी मैम। अच्छा चले, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑपरेशन क्या है, इंटरप्ट ड्रीवन ही होता है और ये इंटरप्शन को हैंडल करता है। नेक्स्ट जो है वो ड्यूल मोड है। ड्यूल मोड के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, ड्यूल मोड के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो दो मोड है। अच्छा, ये पहले वाला लेक्चर है, इसके अंदर ना सॉरी मेरा गला बहुत ही खराब है, बार बार से आप लोग भी तंग हो रहे होंगे। यहाँ पे ना ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मोड होते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको सारा जितना भी आगे पढ़ना है ना, बड़ी बड़ी ये टर्म्स हैं जिनको यहाँ मैं बड़ा ब्रीफली आपको सिर्फ शॉर्ट सा इंट्रो दे रही हूँ, जो उन सब के बारे में सिर्फ बताया हुआ कि हम लोगों ने आगे आगे ये पढ़ना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चीज नहीं भी समझ आती तो ये सिर्फ फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म्स को यहाँ पे यूज किया गया है। इन सारे टर्म्स के ऊपर एक एक पूरा पूरा चैप्टर है जिनको हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि इतनी बड़ी टर्म्स है और उनकी समझ नहीं आ रही है, ये सारे का एक ओवरव्यू दिया गया, इन सबको आगे बारी बारी करना है। जैसे जॉब स्केड्यूलिंग की बात की तो इसके ऊपर आगे 10-12 एल्गोरिदम्स हैं जिनको हमने पढ़ना है, पूरा चैप्टर है स्केड्यूलिंग का। ठीक है, तो ये आगे आपको साथ साथ समझ आती रहेगी। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मोड होते हैं, एक कर्नल मोड होता है, एक यूजर मोड होता है। जो यूजर मोड होता है ना, इसके अंदर यूजर रिलेटेड टास्क होते हैं और इसकी कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं होती, इतनी प्रिविलेजेस नहीं होती इसके पास। ठीक है, जो कर्नल मोड होता है ना, कर्नल मोड को हम सुपरवाइजर मोड, प्रिविलेज या फिर सिस्टम मोड कहते हैं। मींस कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी जो
कोर फंक्शनैलिटी हो रही होती है, जो टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो सारे कर्नल की वजह से हो रहे होते हैं। इस मोड के पास बड़ी प्रिविलेजेस होती हैं, बड़ी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर मोड होता है, कर्नल मोड, और यूजर मोड जिसके अंदर इतनी प्रिविलेजेस नहीं होती, इतनी इसके पास पावर नहीं होती, जबकि कर्नल मोड के पास बड़ी पावर होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मोड है। अब ये बताना मैम, ये जो कर्नल मोड है, ये जब कंप्यूटर चल रहा हो उस वक्त काम करता है या जब बंदा स्टार्ट करता है या उस वक्त काम करता है, ये टोटली करता है यही काम है? नहीं नहीं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक मिनट में पानी पी लूं, प्लीज जरा वेट करें। जी जी मिस्टर, कोई बात। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, माइक बंद कर दे सायरा, माइक बंद कर दे। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आपका बूटिंग टाइम पे लोड हो जाता है। जब आप पावर ऑन करते हैं ना, ये उस बूट टाइम पे लोड हो जाता है, ठीक है। ये इसी लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में है ये वाली बात आपकी, ठीक है। अच्छा, यानी मैंने पढ़ा था मैम कि ये कर्नल की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम ना सिस्टम के अंदर लोड होता है और सारा चलता है। ऐसे ही है, हम पावर ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। जब ये लोड होता है तो ये हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने लग जाता है। अब ये जो दो मोड है ना, ये दो मोड हमें ये बता रहे हैं कि जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई टाइम सॉरी जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, कोई टास्क लेना है, या फिर जो कोर इसकी फंक्शनैलिटी है, जो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रही है, जो कंट्रोल कर रही है, जिसके पास हाई प्रिविलेजेस, हाई अथॉरिटी है, वो सारे टास्क होंगे कर्नल मोड के अंदर। और जो यूजर से रिलेटेड छोटे मोटे टास्क होंगे ना, वो यूजर मोड के अंदर होंगे। अब ये दोनों मोड जो है, ये हर टाइम पे नहीं एक्टिव होते, ठीक है। सॉरी, कर्नल जो है ये तो होता है, लेकिन यूजर मोड नहीं होता। अब ये एक मोड बिट यूज होती है। मोड बिट ये हमें बताती है कि इस टाइम हमारा जो सिस्टम है वो किस मोड के अंदर चल रहा है, यूजर मोड के अंदर चल रहा है या कर्नल मोड के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये बिट होती है, मोड बिट, जीरो और वन से इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि हमारी इसमें, एक मिनट मैं आगे बताती हूँ तब आपको समझ आएगी। ये देखें, ये देखें, यूजर का कोई प्रोसेस आया, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग गया, ठीक है। ये जहां पे मेरा एरो है ना, वहां पे फोकस करें। यूजर का प्रोसेस आया, ठीक है, ये यूजर मोड चल रहा है। यूजर का प्रोसेस आया, कोई भी प्रोसेस आया, वो एग्जीक्यूट होने लग गया। एग्जीक्यूट के दरमियान एक सिस्टम कॉल आई, एक इंटरप्ट आया, ठीक है, एक एक्सेप्शन आई, एक इंटरप्ट आया। उस इंटरप्ट ने क्या किया, उस इंटरप्ट के अंदर ये था कि हमने जो मोड है वो चेंज करना है, हमने यूजर मोड से कर्नल मोड के अंदर जाना है। कोई कोर फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमने एक्सेस करनी थी, ठीक है, जो हमने यूज करनी थी, तो हम यूजर मोड से ट्रैप कर गए किधर, कर्नल मोड के अंदर, और हमारी मोड बिट जो है वो जीरो होगी। मोड बिट जीरो है तो मींस वो शो कर रही है कि हम कर्नल मोड के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन चलनी थी, जो भी टास्क परफॉर्म होना था कर्नल का, वो हुआ। अब दोबारा से यहाँ पे हमने वो टास्क परफॉर्म कर लिया, हमने वापिस जाना है किधर, अपने यूजर मोड के अंदर, यूजर को रिस्पॉन्स देना है वापिस। तो हमने क्या, मोड बिट जो है ये हमारी वन हो गई, मोड बिट वन होगी तो मींस हम क्या कहेंगे कि हम अपने यूजर मोड के अंदर वापस आ गए, ठीक है। हमने कोई इनपुट दी यूजर ने, अब उसका कोर फंक्शनैलिटी जो है वो कर्नल ने परफॉर्म करनी थी। कर्नल ने जो है वो परफॉर्म करने के लिए उसकी मोड बिट जो है वो जीरो कर दी, जीरो से शो हुआ। हमने कहा अच्छा, ये कर्नल के अंदर चला गया, हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, हमें ये शो नहीं होगा, लेकिन मैं वैसे आपको समझा रही हूँ, ठीक है। वो प्रोसेसिंग की, उसकी जब आउटपुट बन गई, उसने मोड बिट वन कर दी, वन मींस वो यूजर मोड के अंदर वापस चला गया, और इसने यहाँ पे यूजर को जो है वो सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न कर दी जो उसने मांगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मोड बिट होती है जो कि यूजर और कर्नल मोड के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर रही होती है कि इस टाइम हमारा सिस्टम जो है वो किस मोड के अंदर चल रहा है, कौन सी प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। आगे ये समझ? यस मैम, आगे।
जी मैम। ठीक है, इसमें देख लो कोई बात रह तो नहीं गई है। ठीक है, ये सिस्टम कॉल की यहाँ पे बात आई है कि सिस्टम कॉल चेंज मोड टू कर्नल रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट टू, ये जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ये वाली, ठीक है, कि जो इंटरप्ट आएगा, जो ट्रैप आएगा, वो एक्चुअल में सिस्टम कॉल होगी, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए वो कॉल आएगी। अब ये सिस्टम कॉल्स क्या है, ये भी आपका अगले लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल में सेकंड में आई या इसी की लास्ट में ही है, वो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए जो एक कॉल की जाती है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, ये सिस्टम कॉल होती है। ठीक है, इनको आगे डिटेल से देख लेंगे, ये हमारे इसी में, ये नेक्स्ट लेक्चर में है। अच्छा, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले हमने देखी फंक्शनैलिटी कौन सी थी, इंटरप्ट को हैंडल कर रहा था। सेकंड हमने कहा ड्यूल मोड, वो हमें मोड बताता है कि किस मोड के अंदर वो प्रोसेसिंग कर रहा है। थर्ड वन हमारी क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ये हमें बताता है, इस सारी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। बाकी ये है क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, और बाकी ये कि प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है, आगे हमने स्टोरेज मैनेजमेंट देखना, उन सब के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर जस्ट इंट्रो है, इसको ज्यादा समझ के परेशान मत हो जाना आप लोग। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या, सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी, आपने कोई कोड लिखा सी या सी प्लस प्लस के अंदर, वो क्या आपका एक प्रोग्राम था, आपने जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, रन कर दिया, तो वो एक प्रोसेस बन गया। ठीक है, जब आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट, आपका प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन आएगा, इन रनिंग फॉर्म आएगा, तो वो प्रोसेस हो जाएगा। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, कि जब आपका प्रोग्राम सेट ऑफ स्टेटमेंट रनिंग फॉर्म एग्जीक्यूशन फॉर्म के अंदर आएंगी, तो वो आपका प्रोसेस बन जाएगा। ये बात क्लियर है, प्रोसेस क्या होता है? जी हाँ। क्योंकि स्टेटमेंट्स खाली लिखी हुई है तो वो प्रोग्राम है, जब आपने उनको रन कर दिया है एग्जीक्यूशन फॉर्म के अंदर, वो आ गई है रनिंग फॉर्म के अंदर आ गए, तो वो आपका प्रोग्राम प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ वर्क विद इन अ सिस्टम। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, एक यूनिट ऑफ वर्क है, जो कोई टास्क परफॉर्म करके आपको कोई रिस्पॉन्स देगा, कोई आउटपुट देगा। अब जो प्रोग्राम है वो आपकी पैसिव एंटिटी थी, और जब वो प्रोसेस बन जाएगा, रनिंग फॉर्म में आ जाएगा, वो आपकी एक्टिव एंटिटी बन जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम पैसिव था, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जब वो रनिंग फॉर्म के अंदर प्रोसेस आ गया, तो वो आपकी एक्टिव एंटिटी बन जाएगा, जो आपको इन रिटर्न कोई आउटपुट देगा। ठीक है जी मैम। अब प्रोसेस जो है, जब वो चलता है, तो उसको ढेर सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उसको सीपीयू भी चाहिए, मेमोरी भी चाहिए, आईओ भी चाहिए, फाइल्स भी चाहिए ओपन करनी, क्लोज करनी, उसको मेमोरी भी चाहिए, ढेर सारे टास्क, ये रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस जो है, वो रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, उनको यूज करता है, जब वो रिसोर्सेज की उसको जरूरत खत्म हो जाती है, वो उनको खत्म कर देता है, और वही रिसोर्सेज किसी दूसरे के लिए यूज हो जाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे प्रोसेस के लिए यूज कर देते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस के पास ये, वैसे आप लोगों ने इससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाना है, लेकिन जस्ट इसका टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम काउंटर और ये टर्म्स हैं, ये थोड़ी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, ये आगे आप लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, इसको मैं एक दफा गो थ्रू कर देती हूँ, लेकिन इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर प्रोसेस के अंदर देख रहा होता है कि अभी मेरा प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा है, और नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, के प्रोग्राम की नेक्स्ट वो कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी जिसने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने पॉज कर दी अपने प्रोग्राम की और उसके एग्जीक्यूशन को, तो नेक्स्ट वो रिज्यूम कहाँ से होगा, ये मुझे कौन बताएगा, प्रोग्राम काउंटर बताएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, टिपिकली सिस्टम हैज मेनी प्रोसेसेस, सम यूजर्स, सम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब ये क्या बात कर रहा है कि सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोसेसेस मिक्स टाइप के होते हैं, कुछ यूजर ओरिएंटेड होते हैं और कुछ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होते हैं। ढेर सारे जब प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, तो उनमें से
अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उस बात से, एक मिनट ठहर जाए. अच्छा जस्ट इसमें ये आप आइडिया ले लें कि अगर मल्टीपल जो है वो पड़े हुए हैं, प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, तो उनमें से सीपीयू जो है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका सीपीयू मल्टी टास्किंग है या मल्टी प्रोग्रामिंग है. अगर जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग है तो एट द सेम टाइम एट अ टाइम एक को जो है वो देगा, एक्सेस देगा, बाकी वेट कर रहे होंगे. जब पहले वाला चला जाएगा आयो के लिए तो तब दूसरे की बारी आएगी. ये मैं पुरानी बात रिपीट कर रही हूँ, ठीक है. अगर आपका सीपीयू जो है ये मल्टी टास्किंग है तो क्या करेगा, ये सारे प्रोसेसेस को जो है वो बारी देगा, एक टाइम क्वांटम देगा और उतने टाइम के लिए सब के ऊपर जो है वो बारी बारी एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ इस चीज को आप लोग वही पुरानी वाली बात जेहन में रखें, ठीक है. ये थोड़ा सा बड़े वाले कॉन्सेप्ट है, इनको आगे इन्हीं चैप्टर में जाकर थोड़ा डिटेल से हम लोग देख लेंगे, ठीक है. लेकिन ओवरऑल प्रोसेस की समझ आ गई है. प्रोसेस क्या होता है, पैसिव एंटिटी क्या है, एक्टिव क्या है, और प्रोग्राम काउंटर क्या है, हमें बताता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है.